हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब टुडे वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन नंबर वन एनएमआर इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ डैश बाय न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि जो हम स्टडी करते हैं तो वो हम किस रेंज में करते हैं मीन्स आपका वो किस तरह के रेडिएशन ऐब्जॉर्व करते हैं तो आपके चार ऑप्शन हैं एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक आई आर रेडिएशन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और एक आपका माइक्रोवेव तो इसका सही आंसर है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्वेश्चन नंबर टू एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट्स द केमिकल नेचर ऑफ द डैश एंड स्पेशल पोजिशन ऑफ डैश एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम स्टडी करते हैं वो हम जनरली प्रोटोन्स स्टडी करते हैं और प्रोटोन्स जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इनडायरेक्टली हम जो स्टडी कर रहे हैं वो न्यूक्लियाई की स्टडी कर रहे हैं और जो आ, न, आप हम हमारा जो अंडर स्टडी न्यूक्लियस है जिसके बारे में जिस प्रोटोन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो सिग्नल हैं वो उसके नियर बाय प्रोटोन से अफेक्ट होते हैं मीन्स उसकी नियर बाय न्यूक्लियाई से तो इसका सही ऑप्शन डी है न्यूक्लियाई एंड नेबरिंग न्यूक्लियाई थर्ड क्वेश्चन है इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी ऑब्जर्व बाय सब्जेक्टिंग अ सब्सटेंस टू मैग्नेटिक फील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर कि जो हम इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में तो उसमें जो हम फील्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो जो फील्ड है एक तो वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो उसने खुद का बनाया और एक जो आप सॉरी uh, एक तो जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो खुद क्रिएट कर रहा है एक जो है हम बाहर से लगा रहे हैं तो दोनों फील्ड किस तरह के होने चाहिए चार ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है बोथ फील्ड शुड बी स्टेशनरी कि दोनों फील्ड हमारे स्टेशनरी हो दूसरा ऑप्शन है बोथ फील्ड शुड बी वेरिंग दोनों वेरी करते हूँ तीसरा ऑप्शन है वन फील्ड शुड बी स्टेशनरी एंड अदर शुड बी वेरिंग चौथा ऑप्शन है इट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ओनली वन फील्ड दोनों फील्ड की किस तरह की पोजीशन होनी चाहिए तो इसका सही ऑप्शन ये है कि एक फील्ड हमारा स्टेशनरी होना चाहिए और एक हमारा वेरिंग होना चाहिए चौथा तो क्वेश्चन है वेन न्यूक्लिया इज एब्जोर्ड बाय दैम्पल द एब्जॉर्प्शन कैन बी ऑब्जॉर्ड एज अ चेंज इन द सिग्नल डेवलप्ड बाई वीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट कि जब कोई मोलिक्यूल जो है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्व करता है तो एक हमारा जो एक हमें सिग्नल ऑब्टेन होता है जो एब्जॉर्बशन करता है तो वो सिग्नल हम

सबसे कम एनर्जेटिक पार्टिकल्स रेडिएशन्स कौन से हैं जिसकी सबसे कम एनर्जी है तो ये इसमें हमने एक, जो है एनर्जी की सिक्वेंस दी जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं वो होती है हमारी गामा रेज मींस गामा रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फिर एक्स रेज फिर यू वी फिर विजिबल फिर आई आर फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स जो रेडियो वेव्स होती हैं ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है इनकी सबसे कम एनर्जी होती है तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज़ sufficient फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कि जब कोई मॉलिक्यूल रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में रेडिएशन ऐब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंज आता है तो अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है मीन्स सबसे कम एनर्जी होती है तो जब वो इतनी कम एनर्जी एब्जॉर्व करता है उस रेंज में मतलब रेडिएशन ऐब्जॉर्व करता है तो वो केवल मोलिक्यूल की न्यूक्लियर स्पिन को अफेक्ट कर सकता है ना ही तो उसे एक्साइट कर सकता ना ही उसे वाइब्रेट कर सकता तो इसके चार ऑप्शन है एक्साइट एन एन ऐटम वाइब्रेट एन एटम वाइब्रेट अ मोलिक्यूल और अफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एटम तो वो केवल मोलिक्यूल की न्यूक्लियर स्पिन को अफेक्ट कर सकता है क्यों चूंकि जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी हमारी बहुत कम होती है नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन न्यूक्लियर हैविंग आइदर द नंबर ऑफ प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स एज ओड हैव डैश स्पिन मतलब उनकी किस तरह की स्पिन होगी उन न्यूक्लियाई की जिनका या तो प्रोटॉन्स आपका ओड हो या न्यूट्रॉन ओड नंबर हो तो उनकी जो हमारी स्पिन होती है वो हमारी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है तो इसका सही ऑप्शन है बी एट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड नेसेसरी फॉर रेजोनेंस इन दैंपल एंड इन सम आर्बिट्री चूज कंपाउंड इज विच ऑफ द फोलिंग तो जो उनके बीच का डिफरेंस है किसके बीच का द फील्ड नेसेसरी फॉर रेजोनेंस रेजोनेंसिन सेम्पल एक मतलब जो हम मतलब जो उसका रेजोनेट करने के लिए जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट है और एक हमने जो आर्बिट्री चूजन किया हुआ है मतलब एक हमने फिक्स किया हुआ है तो वो हमारा डिफरेंस को हम क्या कहते हैं फील्ड शिफ्ट कहते हैं मैट्रिक शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं केमिकल शिफ्ट कहते हैं या रेजोनेट शिफ्ट कहते हैं तो उस शिफ्ट को उस डिफरेंस को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं तो इसका सही ऑप्शन है सी नाइथ क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट अलाउज ए केमिस्ट टू ऑब्टेन द आइडिया ऑफ हाउ एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारी हमें किस बारे में आइडिया देती है कि एटम्स किस तरह से ज्वाइन है तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है तो ये स्टेटमेंट सही है टेंथ है हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन तो ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है ये स्टेटमेंट हमारी सही है जो हमारी इलेक्ट्रोस और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दोनों के अंदर ही स्पिन की प्रॉपर्टी होते हैं 11th क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl2 एग्जिबिट्स ओनली वन सिग्नल इन द H1 NMR स्पेक्ट्रम एक हमारा ऑर्गेनिक मोलिकुलर एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फार्मूला है सी थ्री एच सेवन सी एल टू तो वो हमारा किस तरह के स्ट्रक्चर में हो जो वो केवल एक एन सिग्नल दे तो हमारे पास चार ऑप्शन है वन वन डाइक्लोरोप्रोपेन वन टू डाइक्लोरोपेन वन थ्री डाइक्लोरोपेन और टू टू डाइक्लोरोपेन तो ये हमारे चार स्ट्रक्चर है वन वन डायक्लोरोप्रोपेन जब ये हमारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसके हमारे तीन एन सिग्नल मिलेंगे चूंकि यहाँ ये तीनों प्रोटोन अलग अलग एनवायरमेंट में है इस सी एच थ्री में जो हाइड्रोजन है ये अलग एनवायरमेंट में है इस सी एच टू में जो हाइड्रोजन है ये अलग एनवायरमेंट में है इस सी एच में जो हाइड्रोजन है वो अलग एनवायरमेंट में कैसे है क्योंकि इस इस वाले प्रोटोन के इधर एक तरफ सी एल है इधर भी सी एल थ्री है सी एल है अब यदि हम बी टाइप के प्रोटोन को देखें तो इसके एक तरफ सी एच है एक तरफ सी एच थ्री है तो ये भी हमारा ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं अब यदि हम CH रही वाले की बात करें तो इसका भी एनवायरमेंट डिफरेंट है एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है एक तरफ किसी से नहीं जुड़ा हुआ तो हमारे तीन तरह के प्रोटोन हो गए एक जो CH3 में है एक जो CH2 में है एक जो है CH में है तो हमने उन्हें नंबरिंग कर दी ABC क्योंकि हमारे तीन तरह के प्रोटोन हैं तो अब एक तरह का प्रोटोन एक सिग्नल देगा अब यहाँ हमारे चूंकि तीन तरह के प्रोटोन हैं तो तीन एन सिग्नल देगा अब हम यदि हम वन टू डाइक्लोरो प्रोटेन को देखें तो इसमें हमारा इसमें भी हमारे तीन तरह के सिग्नल हैं एक तो जो आपका सी एच थ्री देगा चूंकि जो हमारे तीनों तरह के प्रोटोन्स हैं ना तीनों का एनवायरनमेंट अलग है ये हमने ए कहा ये बी कहा ये सी कहा अब यदि हम ए टाइप वाले को देखें तो इसके एक तरफ सी एच थ्री है एक तरफ सी एच है अब यदि हम ये सी वाले को देखें तो इसके एक तरफ सी एच थ्री है एक तरफ सी एल है एक तरफ सी एच टू है तो इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है, है अब यदि हम बी को देखें इसके एक तरफ सी एच टू है और एक तरफ सी एल है तो तीनों के तीनों प्रोटोन का एनवायरमेंट अलग है तो इस वजह से ये तीन एनएमआर सिग्नल देगा अब यदि हम वन थ्री डाईक्लोरोन की बात करें तो इसमें हमारा जो है वो दो तरह के प्रोटोन है एक ए एक बी अब इसमें एक तो ये सी एच टू इसके एक तरफ आपका इधर सी एच टू है इधर सी एच टू है और इधर सी एल इधर सी एल अब चूंकि ये एक तो सिग्नल हमारा ये देगा अब जो हमारे ये दूसरे वाले हैं सी एच टू हैं इन दोनों का एनवायरमेंट सेम है अब यदि हम इस सी एच टू को देखें तो इसके इधर सी एल है इधर सी एच टू है इसी तरह से यदि हम इस सी एच टू को देखें इसके भी सेम एनवायरमेंट है इसके इधर सी एच टू है इधर सी एल है तो इट मीन ये वाला और ये वाला इन दोनों का एनवायरमेंट सेम है तो इसलिए ये एक सिग्नल देगा तो एक सिग्नल तो हमारा ये हो गया एक सिग्नल हो गया ये तो एक सिग्नल ए एक सिग्नल बी तो ये हमारा दो एन सिग्नल देगा तो हमारे इस वाले ने तीन सिग्नल दिए इसने भी तीन दिए इसने भी तीन दिए अब जो हमारा ये है टू टू ये केवल एक तरह का सिग्नल दे, देगा ये जो हमारा है टू टू आपका जो टू टू डाइक्लोरोप्रोपेन है तो इसमें हमारा एक ये हो गया सी एच थ्री एक ये हो गया हमारा ये वाला सी ये वाला कार्बन तो इसमें जो है हमारा यदि हम इस वाले का देखें तो ये हमारा इस वाले सी एच थ्री को देखें तो इधर सी है आपका इधर सी एल है यदि इस वाले सी एच थ्री को देखें तो ये सी है इधर सी एल है तो ये मतलब हमारे

एनवायरमेंट सेम है जैसे कि भी बताया इसके इधर C, इधर किएल इसी तरह से इस वाले सी एच थ्री का इधर सी इधर सी तो अब ये यहां वाला देखें तो इस पर प्रोटोन है ही नहीं केवल यही एक प्रोटोन है तो ये केवल एक एन सिग्नल देगा तो इसका सही ऑप्शन है ए अब क्वेश्चन नंबर बारहवे की बात करें द एच वन एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ सी एच थ्री ओ सी एच सी एल सी एच टू सी एल विल एग्जिबिट कितनी तरह के सिग्नल देगा तो आप लोगों ने जैसे एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किया कि जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो नियर बाय प्रोटोन्स की वजह से होती है और उसमें हमारा फॉर्मूला लगता है एन प्लस वन एन क्या है नंबर ऑफ प्रोटोन्स अब इसमें हमारा एक एन एम आर सिग्नल तो इन तीन हाइड्रोजन की वजह से आएगा एक इस एक हाइड्रोजन की वजह से आएगा एक इन दो हाइड्रोजन की वजह से आएगा तो ये तीन एनएमआर सिग्नल देगा क्योंकि तीनों के तीनों प्रोटॉन अलग तरह के एनवायरमेंट में हैं ये सी एच थ्री अलग में है ये सी एच अलग में है और सी एच टू अलग एनवायरमेंट में है तो ये तीन एन एम आर सिग्नल देगा अब स्प्लिटिंग किस तरह से होगी स्प्लिटिंग होती है नियर बाई प्रोटोन्स की वजह से अब यदि हम इस सी एच थ्री को देखें तो इसके नियर बाई कोई प्रोटोन नहीं है इसके पास ऑक्सीजन एटम है तो इसके सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होगी अब यदि हम सी एच की बात करें और सी एल टू की बात करें तो इसकी बात करें यदि हम सी एच की तो इसके नेबर में क्या है सी एच टू तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है उसमें रूल लगता है एन प्लस वन तो इसके नेबर में तीन आपके दो प्रोटोन है तो टू प्लस वन तो थ्री तो जो है और यदि हम इसकी बात करने लगे सी एच टू की तो इसके नेबर में है ये सी एच वाले प्रोटोन एन प्लस वन लगाएंगे तो एक प्रोटोन है तो डबलेट तो इसमें हमारा क्या हो गया एक तो इसके हमारे चार ऑप्शन है पहला वन प्रोटोन सिंगलेट एंड आर टू प्रोटोन डबलेट जो है हमारा वन प्रोटोन है ये सिंगलेट देगा नहीं देगा क्योंकि इसके नेबर में डबलेट वाला है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया अब दूसरे की बात करने लगे वन प्रोटोन सिंगलेट एंड आर टू प्रोटोन डबलेट तो इसमें हमारा ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं अब जो है हमारा ये हो गया वन प्रोटोन इसके जो है ऑप्शंस सेम हैं तो ये वाला जो है इसमें जो तीन ऑप्शन हैं ये हमारे सेम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन में शायद में भी कोई मिस प्रिंटिंग होगी तो इसमें जो हमारा ये चूँकि तो हमारे तीनों जो है ये जो हमारे फर्स्ट वाले जो ऑप्शन हैं ये हमारे एक जैसे आ गए हैं वन प्रोटोन सिंगलेट एंड टू प्रोटोन डबलेट दूसरा है वन प्रोटोन सिंगलेट एंड टू प्रोटोन डब्लेट ये शायद क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंटिंग है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एक जैसे हैं लेकिन है दोनों ही गलत अब अब सी की तरफ बात करें हम वन प्रोटोन ट्रिपलेट जो हमारा ये वाला प्रोटोन है ट्रिपलेट बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसके नेबर में हमारे सी एच टू टाइप के प्रोटोन है और दो प्रोटोन है तो एन प्लस वन थ्री तो वन प्रोटोन ट्रिपलेट अब दूसरा बात करने लगे टू प्रोटोन डबलेट अब ये वाले टू प्रोटोन ये टू एच की बात हो रही है टू प्रोटोन डबलेट डबलेट का मीन दो अब एक तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटोन है एन प्लस वन वन प्लस वन टू तो टू प्रोटोन डबलेट तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सी वन प्रोटोन ट्रिपलेट एंड टू प्रोटोन डबलेट तो इसका सही ऑप्शन सी है अब थर्टीन क्वेश्चन की बात करने लगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग इनमें से कौन सा हमारा कंपाउंड है जिसमें तीन तरह के हाइड्रोजन हैं पहला एग्जांपल है सी एच थ्री सी टू सी एच अब इसमें यदि देखें तो ये सी का अलग एनवायरमेंट है इस सी का अलग क्यों है चूंकि सी एच थ्री के इधर सी एच टू ग्रुप है इस सी एच टू को देखें तो इधर सी एच थ्री है इधर सी एच टू है तो इसका एनवायरमेंट इससे इस वाले से डिफरेंट है अब यदि इस सी एच टू की बात करने लगे तो इसके इधर सी एच टू ग्रुप है इधर बी आर है तो इसका एनवायरमेंट भी इससे अलग है तो इसमें हमारे तीन अलग अलग तरह के प्रोटोन हैं तो इसका सही ऑप्शन है ए यदि हम बी की बात करने लगे तो इसमें इस वाले सी एच थ्री का और इस वाले सी एच थ्री का एनवायरमेंट सेम है जो दोनों के ही पास बराबर में सी एच टू ग्रुप है इसलिए ये दोनों एक तरह के हो गए तो इसमें दो ही तरह के हाइड्रोजन है तीन तरह के नहीं है अब यदि हम बात करने लगे सी सिक्स एच फाइव की सी एच टू की तो इसके साथ भी वही दो आपके दो तरह के हाइड्रोजन है अब यदि हम इसकी बात करने लगे तो इसके अंदर एक ये दो तीन चार तो इसके अंदर चार तरह के हाइड्रोजन है तो इसमें हमारा सही ऑप्शन ए है क्योंकि यही वो है जिसमें हमारे तीन तरह के हाइड्रोजन इन्वॉल्व है फोर्टीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ओनली वन सिग्नल इन द पी एम आर एन एम आर का दूसरा नाम पी एम आर है प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो केवल एक ही सिग्नल देगा नहीं इसमें से कौन सा वो है जो एक सिग्नल नहीं देगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वन सिग्नल जो एक सिग्नल नहीं देगा अब फर्स्ट वाले की बात करने लगे एसी ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है इसमें जैसा एनवायरमेंट इस सी का है ऐसा ही सी एच थ्री का है तो ये दोनों सेम सिग्नल देंगे तो इसमें हमें एक ही सिग्नल ऑप्टेन होगा दूसरा देखें हम इथेनॉल ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है इसमें आपका इस सी एच थ्री का एनवायरमेंट अलग है इस सी एच टू का अलग है कहने की बात यह है कि इन तीन हाइड्रोजन का एनवायरमेंट अलग है इन दो हाइड्रोजन का अलग है तो एक सिग्नल ये देगा एक सिग्नल ये देगा तो ये दो सिग्नल देगा अब यदि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं तो एक ही एन सिग्नल देगा अब यदि हम डाई मिथाइल इथर की बात करने लगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप का एन्वायरमेंट सेम है तो दोनों एक ही सिग्नल देंगे तो इसका सही ऑप्शन बी है इथेनॉल इथेनॉल ही वो है जो केवल एक सिग्नल नहीं दे रहा दो सिग्नल दे रहा है एसीटोन भी एक ही दे रहा है बेंजीन भी एक ही दे रहा है डाईमिथाइल मिथाइल इथर भी एक ही दे रहा है बस इथेनॉल एक वो अकेला वो है जो हमारा दो एन सिग्नल दे रहा है 15. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ peaks ऑफ डबलेट इज कॉल्ड है जो डिस्टेंस होता है हमारा किसके बीच में दो दो डबलेट पीक के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं कपलिंग constant, स्पिन constant, स्पिन स्पिन कपलिंग या केमिकल शिफ्ट तो इसका सही ऑप्शन ए है उसे हम कपलिंग constant या जे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16. एच टू सी एच फोर सी टू एच सिक्स एंड सी सिक्स एच सिक्स एग्जीबिट विच पी एम आर स्पेक्ट्रा कैसा देंगे ये जो है एक ऑप्शन सिंगलेट एक डबलेट एक ट्रिपलेट एक क्वेंटेड तो ये जो जो देगा चूंकि इसमें ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं इसमें चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं इसमें ये दोनों सी एस थ्री सी एस थ्री ग्रुप जैसे हैं इसमें भी सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे एनवायरमेंट में है तो ये केवल एक ही सिग्नल देगा एज सिंगलेट सेवनटीन की बात करने लगे हाई हाउ मेनी सिग्नल्स आर पॉसिबल इन एच वन एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड में हमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे ऑप्शन है वन टू थ्री फोर ये हमारा जो है इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है सी एच थ्री सी एच टू सी एल इसमें ये सी एच टू का एन्वायरमेंट अलग ये सी एच थ्री का एन्वायरमेंट अलग तो एक सिग्नल हमें इसके लिए मिलेगा एक सिग्नल इसके लिए मिलेगा तो हमें इसमें दो एन एम आर सिग्नल ओपटेन होंगे एटीन क्वेश्चन द न्यूक्लियाई दैट डजेंट गिव एन एम आर सिग्नल इज वो न्यूक्लियाई जो एन एम आर एक्टिव नहीं है जो आपका तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन है जो है एन जो एन फिफ्टीन एक सी ट्वेल्व एक जो एफ नाइनटीन एक पी थर्टी वन तो एन एम आर एक्टिव होने के लिए हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटोन में से मतलब वो ओड ओड होने चाहिए इवन नहीं होने चाहिए तो इसमें ये फिफ्टीन भी ओड है नाइन्टीन भी ओड है थर्टी वन भी ओड है बस ट्वेल्व जो इवन है ये है हमारा सी ट्वेल्व तो इसमें से इसका सही ऑप्शन है सी ट्वेल्व ये हमारा एन एम आर एक्टिव नहीं है एन एम आर उसकी रेंज में सिग्नल नहीं देगा 19. सिग्नल स्प्लिटिंग इन पीएमआर एम फ्रॉम सिग्नल की स्प्लिटिंग किस वजह से होती है ए है शिल्डिंग इफेक्ट बी है स्पिन स्पिन डी कपलिंग सी है स्पिन स्पिन कपलिंग डी है डी शिल्डिंग इफेक्ट तो जो सिग्नल uh, की स्प्लिटिंग होती है वो होती है हमारी स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से है. तो इसका सही ऑप्शन है सी अब बीसवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से कौन सा फैक्टर अफेक्ट होगा ए है केमिकल शिफ्ट बी है स्पिन स्प्लिटिंग सी है बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड और डी बोथ आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से केवल आपका केमिकल शिफ्ट अफेक्ट होगा ये इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ए ट्वेंटी वन केमिकल शिफ्ट हैज़ द यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट की क्या यूनिट है एक ऑप्शन है पार्ट्स पर मिलियन दूसरा ऑप्शन है पार्ट्स पर बिलियन थर्ड टेस्ला और डी नो यूनिट तो जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज पीपीएम केमिकल शिफ्ट को हम पीपीएम में मेजर करते हैं तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए ट्वेंटी टू इक्वलेंट प्रोटोन्स इन ए मोलिक्यूल विल हैव जो इक्वलेंट प्रोटोन्स होते हैं उनका सही ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है सेम एनवायरमेंट दूसरा है सेम केमिकल शिफ्ट सी है सेम केमिकल इफेक्ट और डी है ऑल ऑफ द बाउ तो ये सारे सही हैं जो इक्वेलेंट प्रोटोन होते हैं जैसे हम यदि सी एच फोर की बात करने लगे तो चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही एन्वायरमेंट में है एक ही केमिकल शिफ्ट देंगे और एक ही शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका सही ऑप्शन डी है ये सारे के सारे ही फैक्टर हमारे होंगे नेक्स्ट कपलिंग कॉन्स्टेंट ऑफ टू न्यूक्लियर इज डिफाइंड डिफाइंड एज कपलिंग कॉन्स्टेंट जो दो न्यूक्लियाई का उसे हम कैफे कैसे डिफाइन करेंगे पहला ऑप्शन है रेशियो ऑफ केमिकल शिफ्ट दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिटेड पिक्स इन हर्ट्स तीसरा है डिफरेंस ऑफ केमिकल शिफ्ट चौथा है रेशियो ऑफ एब्जॉर्बशन फ्रीक्वेंसी तो इसका सही ऑप्शन है बी जो हमारा कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है दो स्प्लिटेड पीक के बीच का डिस्टेंस चौबीसवा क्वेश्चन है फॉर एक्वस सैम्पल्स द यूजफुल स्टैंडर्ड इन एन एम आर इज़ जो हम एन एम आर में स्टैंडर्ड की तरह हम किसे यूज़ करते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन को हमने जो है रेफ्रेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिया हुआ है तो एन एम आर में हमने किस एक्वस सैम्पल को स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसमें जो है ये वेल नोन है कि हम टेट्रामिथाइसिलेन टी एम एस को हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो इसमें चार ऑप्शन है टेट्रामिथाई सिलेन डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन डाई मिथाइल साइलफेंटोन सल्फेट सोडियम और डी है हमारा स्क्वेलिन तो इसका सही ऑप्शन ए टीएमएस को हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में लेते हैं दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ़ एन हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी थैंक यू